इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑन सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में। तो पहला एग्जाम्पल ये कुछ है, ए एंड बी इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन वन डैसेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, और उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये वाला पार्ट है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स है ना, जिसका नाम है सी ऑफ द ट्राइंगल। तो कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मुझे लगता है कि आप उसका डायग्राम बनाना चाहिए, तो उसका कुछ डायग्राम बनेगा कुछ। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ए बी सी है ना, यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्स का वाई एज्यूम करेंगे, ए डी हमारे यहाँ पे मीडियन है और डी बनेगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी मीडियन की। अगर डी यहाँ पे मीडियन बनता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मिड पॉइंट हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे माइनस टू प्लस एक्स डिवाइड बाई टू बनेगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, दैट इज व्हाट एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू, ओके। और वाई का बनेगा हमारा वाई प्लस वन बाय टू, ये हो गया हमारे यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स। बट अगर हम लोग यहाँ पे ए डी कंसिडर करेंगे तो ये कुछ दिखाई देगा ऐसे, ये बन गया हमारा ए, उसके बाद ये बन गया हमारा डी, और उनके बीच में आएगा कहीं पे जी। तो ये बन गया लेट से जी, ये बन गया हमारा ए, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है दैट इज व्हाट थ्री और टू है ना, जी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है दैट इज व्हाट फाइव बाई थ्री, एंड दूसरा हमारा माइनस वन बाई थ्री। और यहाँ पे जो डी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किए हैं, यह है हमारा एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू, और ये बनेगा हमारा वाई प्लस वन बाई टू। बट हमको पता है कि ए जी इज टू जी डी हमारा टू इज टू वन है, तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये बनेगा हमारा टू पार्ट, ये बनेगा हमारा वन पार्ट। अगर मैं इसको m कहूंगा तो m बनेगा 2 और n बनेगा 1, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करें और उसको सॉल्व करें। तो चलो कर देते हैं, ओके। तो अगर मुझे सेक्शन फार्मूला यहाँ पे यूज करना है तो x वैल्यू बनेगा 5 बाई थ्री, सो ये बनेगा हमारा 5 बाई थ्री इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए देखो यहाँ पे m वैल्यू है 2, 2 इंटू दिस 1, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट बनेगा, ये बनेगा सिर्फ x माइनस 2, ओके। और अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 वन जा 3, एंड यहाँ पे 2 प्लस 1 बनेगा हमारा 3, तो क्यों ना ये 3 और 3 कैंसिल आउट कर दे, तो ये बनेगा हमारा 3 माइनस 2 बनेगा 1, उधर जाके बनेगा माइनस 1, और x इक्वल्स टू बनेगा हमारा 4, ओके। तो x का वैल्यू हमें 4 आ चुका है, क्यों ना हम लोग सिमिलरली y के लिए फाइंड आउट करें। तो y वाले कितना का यहाँ पे, y वाले हमारा माइनस 1 बाई 3 है, तो ये माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू, देखो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट बनेंगे, तो यहाँ पे बनेगा सिर्फ y प्लस 1, ओके। एंड देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 2 बनेगा हमारा 2, और नीचे में आएगा हमारा 2 प्लस 1 बनेगा हमारा 3, ओके। सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ओके, सो ये 2 प्लस 1 बनेगा 3, उधर जाके बनेगा माइनस 3, नो माइनस 3 और माइनस 1 बनेगा हमारा यहाँ पे माइनस 4, सो y इक्वल्स बनेगा माइनस 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिख देंगे तो ये क्या होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी एक्स बनेगा 4 और वाई बनेगा हमारा माइनस 4, ये बनेगा हमारा 4 और माइनस 4, जो कि हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ओके। तो इसी तरीके से आप लोगों को उसको समझ के ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ओके। तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कुछ है ना, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे इफ माइनस 2 एंड 3, 4 एंड माइनस 3 एंड 4 एंड 5 आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, ओके। सो हमको यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे ट्राइंगल का तो ये कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर मिड पॉइंट्स है ए बी, उसके बाद ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे पी क्यू आर मिड पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली ए आर, उसके बाद बी क्यू एंड सी पी बनेगा हमारा मीडियंस। अब रही बात कि जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर ये हमारा मीडियंस है और उसका ये मिड पॉइंट्स है, तो अगर इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बनेगा पी क्यू, उसके बाद बनेगा हमारा ये पी आर, और ये बनेगा हमारा पी आर, एंड ये बनेगा हमारा आर क्यू, ये बनेगा हमारा आर क्यू। अब आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारे पहले यहाँ पे मीडियंस थे ये ए आर, उसके बाद बी क्यू, उसके बाद सी पी, यू नो, उसके बाद जो हमारे नया मीडियन यहाँ पे बना है, तो दोनों का सेंट्रॉइड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी दोनों का सेंट्रॉइड यहाँ पे कॉमन रहेगा, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग मिड पॉइंट्स को कंसिडर करके ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका भी सेंट्रॉइड कॉमन नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट पॉइंट जी। तो जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमको जी को फाइंड आउट करना है, हमको पता है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, चलो इसको लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। अगर आपको जी आपका सेंट्रॉइड है तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला बनता है, सो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री। सिमिलरली आप लोग वाई के लिए ये यूज कर सकते हो, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, क्यों ना डायरेक्टली इसको यूज करें और एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 4 4 4 8 8 माइनस 2 बनेगा 6, तो बनेगा 6 अपॉन 3 बनेगा 2। और y के लिए क्या बनेगा चेक करते हैं, तो बनेगा ये 3 और 3 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, बनेगा 5, ये बनेगा हमारा 5/3। तो यहाँ पे सेंट्रोइड के कॉर्नर्स हमारे यहाँ पे बन चुके, एक है 2 और दूसरा हमारा 5/3। सो जी के कॉर्नर्स है हमारे 2 एंड 5/3। ओके, तो इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कुछ है हमारे लिए, फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द पॉइंट क्यू ऑन एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किनका, ए और बी को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, जो उनको ज्वाइन करेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करेगा जो कि एक्स एक्सिस पे है ना, तो जिसके बाद अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा उसका नाम भी फाइंड करना है। तो काफी बढ़िया एग्जाम्पल है, तो चलो मैं समझता हूँ कि इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ओके, तो अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया है तो ये कुछ दिखेगा ऐसे, यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस है और ये डॉटेड हमारा y एक्सिस है, a है और ये b है, चलो जॉइन करने के बाद बनेगा सेगमेंट AB, बट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कुछ है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको हम कुछ पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो अगर मैं इसको पॉइंट कहूंगा तो ये बनेगा लेट से हमारा पॉइंट D। ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AD इक्वल्स टू बनेगा DB, इसका मतलब D हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो क्यों ना हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, ये बनेगा हमारा यहाँ पे डी के पॉइंट्स। ओके, तो कैसे बनेगा चेक करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला जो मैंने बोला है वो लगा देते हैं। ओके, तो डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज व्हाट, 5 - 5 + 4 बनेगा हमारा -1, ये बनेगा -1/2, और दूसरा क्या होना चाहिए -2 और -2 बनेगा -4, -4 का फिर जाएगा हमारा -2। तो D के हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ चुके, बट इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट Q है जो कि लाई करेगा हमारा X एक्सिस के ऊपर, और X एक्सिस के जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट x, 0, तो इस लाइन के ऊपर आपका X वैल्यू कभी भी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि देखो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे आपका जो X वैल्यू है ये पूरे लाइन के ऊपर कॉमन रहेगा, और वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा -1/2। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका x वैल्यू -1/2, और ऑब्वियसली ऑन x एक्सिस आपका y वैल्यू होता है 0, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए हमारे -1/2, 0। तो आप लोग ऐसे तरीके से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो उसको सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा, यानी पॉइंट डी बनेगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, -2 एंड 2 एंड 3। इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक सेगमेंट बनेगा, बट इसको एक्सटर्नल डिवाइड किया इन द रेशियो 5:3। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए और इसका डायग्राम बनाइए। तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया तो ये कुछ दिखेगा ऐसे, तो यहाँ पे ए, ये B और C के कोऑर्डिनेट्स हमको ढूंढने जो कि C एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, अगर C अंदर से डिवाइड करेगा तो बनेगा हमारा इंटरनल डिवीजन। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलो सोचते हैं। अगर C यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं तो चलो क्यों ना हम लोग लिख देंगे उसके कोऑर्डिनेट्स वाले x, y, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में पूछा है कि ये 5:3 पार्ट में उसने डिवाइड किया, तो क्यों ना हम लोग ए बी को हम लोग बोलेंगे एम, दैट इज व्हाट, इक्वल्स टू 5 पार्ट, और क्यों ना हमारा बी सी हम लोग जो है यहाँ पे हमारा 3 पार्ट, सॉरी ये हमारा ए से लेकर सी, यहां से हमारा ए से लेकर सी हमारा 5 पार्ट है, ए से लेकर यहां सी हमारे यहाँ पे 5 पार्ट है। ओके, तो ए बी कैसे बनेगा गाइस, और हमारा बी सी जो है वो हमको बोला है 3 पार्ट, जो हमारा बी सी है यहाँ पे हमारा 3 पार्ट है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिंपल सा पार्ट है हमारा यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट हमारे यहाँ पे कि ए बी कैसे निकलेगा, सो ए सी में से अगर हम लोग बी सी माइनस करेंगे तो हमारा ए बी निकलेगा, दैट इज वॉट, 5 - 3 बनेगा 2, तो क्यों ना इसको हम लोग एम कहेंगे, 5 - 3 बनेगा हमारे यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे यहाँ पे 2 पार्ट। ओके, और ऑब्वियसली ये बी सी हमारा एन है जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 3 पार्ट है। ओके, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन को हम लोगों ने कन्वर्ट किया यहाँ पे इंटरनल डिवीजन, देखो यहाँ पे ए बी बन गया हमारा 2 पार्ट और बी सी बन गया हमारा 3 पार्ट, तो चलो सॉल्व कर देते इसको। ओके, तो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे रीराइट कर लिया है, तो एम हमारा 2 है और एन हमारे यहाँ पे 3 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो बी हमारा एक्स और वाई हम लोग एज्यूम करते हैं, एक्स का वैल्यू 2 है और यहाँ पे वाई का वैल्यू 3 है, तो चलो उसको नीचे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो फॉर्मूला हमारा पता है जो कि हमारा रहेगा सेक्शन फॉर्मूला, तो एक्स हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 इक्वल्स होता है हमारे यहाँ पे एम इनटू, देखो एम हमारा ये 2 है, डायरेक्टली हम लोग करने वाले इसको। ओके, तो
एम हमारा अगर यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू एक्स ये बनेगा हमारा 2x, ओके। और n हमारा 3 है तो ये बनेगा 3 इंटू माइनस 1 बनेगा हमारा माइनस 3, और नीचे में आएगा हमारा 2 प्लस 3 बनेगा 5, ओके। सो कितना बनना चाहिए, बनेगा 5 टू 10, 10 प्लस 3 बनेगा 13, और ये डिवाइड बाय 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे तो x बनेगा हमारा 13, ओके। ये 2 और ये बनेगा 10 प्लस 3 बनेगा 13 बाय 2, x बन गया कैसे हमारा 13 बाय 2। सिमिलरली क्यों हम लोग y के लिए सॉल्व करें, सो y कितना है हमारे यहाँ पे 3 है, सो y इक्वल्स टू 3, तो m हमारा 2 है, ये बनेगा हमारा 2 इंटू y बनेगा हमारा 2y, एंड फॉर व्हाट ये बनेगा हमारा 3 इंटू माइनस 2 बनेगा हमारा यहाँ पे माइनस 6, और 2 प्लस 3 बनेगा हमारा 5, सो 5 3 का बनेगा 15, और 15 प्लस 6 बनेगा हमारा 21, ये बनेगा हमारा 21 बाय 2, ये बनेगा हमारा y का वैल्यू, ओके। सो इसी प्रकार हम लोग y और x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप को हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।